Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys know, we are solving Jamia Millia Islamia question paper these days and MA sociology ke jo paper hai entrance ke hum log wo solve kar rahe hain. Aaj hum log 2021 ka paper solve karenge. Humne already 5 years ke question papers ko solve kar liya hai, to agar aapne nahi dekhe hain please usko dekhna. Maine usme kai notes bhi attach kiye hain jo aapke exam ke liye important hai. Theek hai? आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज. इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ. और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम बिकॉज ऑल द फ्री थिंग्स यू विल फाइंड ऑन दिस टेलीग्राम ओनली, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर वन, हु आर्ग्यूड दैट नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी. नेशन को इमेजिन्ड कम्युनिटी किसने बोला था? बेनेडिक्ट एंडरसन, डेविस क्रोन, रॉबिन कोन या फिर रॉबिन फॉक्स? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बेनेडिक्ट एंडरसन. अभी पीछे के जो पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं उसमें मैंने इमेजिन्ड कम्युनिटी के बारे में बताया भी था. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बेनेडिक्ट एंडरसन की बुक का ही नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटी. ठीक है, और ये बुक आई कब थी ये भी याद रखना, 1983 में ये बुक आई थी. कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं. और इन्होंने इसमें नेशनलिज्म को एनालाइज किया था. ठीक है, एनालिसिस ऑफ ठीक है, सो जस्ट इतना आपको याद रखना है. सो क्योंकि मैं पहले के वीडियोस में इमेजिन कम्युनिटी ऑलरेडी पेपर में एक्सप्लेन कर चुकी हूं, यहां पर मैं उसकी मीनिंग डिस्कस नहीं कर रही हूं. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, इट इन्वॉल्व्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल. अब यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, एमिंग ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, देन एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ये सारे फीचर्स किसके हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी, कमोडिटी, कैपिटलिज्म या फिर मार्केट? द करेक्ट आंसर इज कैपिटलिज्म. एंड कैपिटलिज्म पे सबसे ज्यादा जो बात करते हैं वो है काल मार्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, इट इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स विच आर रैंक्ड वन अबव अदर्स इन टर्म ऑफ फैक्टर्स सच एज प्रेस्टीज एंड वेल्थ. सोशल पावर, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. ऑलवेज रिमेंबर, सोशल इनइक्वालिटी, रैंक्ड, प्रेस्टीज, वेल्थ, ये सारे कीवर्ड्स हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के. क्वेश्चन नंबर फोर, द कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वॉज डिस्क्राइब्ड बाई कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस, मैक्स वेबर या फिर सीरिट मिल्स. काफी रिपीटेड क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज सीरिट मिल्स. आज का जो पेपर है उसमें ज्यादातर जामिया ने पी वाई क्यूज से क्वेश्चंस को रिपीट किया है. ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन डेप्थ वो मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगी. आई होप दैट आप लोग पूरी प्लेलिस्ट को थरली फॉलो कर रहे हो. 2016, 17, 18 सारे पेपर्स आप लोग देखने के बाद ये वाला पेपर देख रहे हो. ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, क्योंकि जामिया में ना टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी एज इट इज़ रिपीट होता है, तो आपको सारे क्वेश्चंस पे फोकस करना है. ठीक है, नाउ मैकिम मैरियट इन्विसाज्ड टू कॉन्सेप्ट्स नेमली व्हाट? मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनलिज्म, हिंदुइज्म एंड इस्लामाइजेशन, पैरोकिलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स सी, दैट इज पैरोकिलाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर सिक्स, अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप आर एग्जाम्पल ऑफ वॉट? किनशिप यूसेज, किनशिप टर्मिनोलॉजी, डिसेंट या फिर लीनिएज? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज किनशिप यूसेज. क्वेश्चन नंबर सेवन, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, अ बिलीफ इन सुपीरियरिटी ऑफ रैशनल थॉट ओवर इमोशन, फेथ इन एबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस. रैशनल थॉट, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, देन अ बिलीफ इन एबिलिटी एंड राइट्स ऑफ ह्यूमन टू शेप देयर ओन लाइफ, यानी इंडिविजुअलिटी एंड रिलायंस अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स. तो ये सारी जो बातें हैं ये किसके बारे में, किसके फीचर्स हैं ये? मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, प्री मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मॉडर्निटी. नाउ यू गाइज मस्ट बी कन्फ्यूज कि मॉडर्निटी होगा या पोस्ट मॉडर्निटी होगा. तो मैं एक बात बता दूँ कि जब भी पोस्ट मॉडर्निटी की बात होगी तो वहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मेंशन होगा. ठीक है, या फिर
ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज, राइट, कम्युनिकेशन जो इजी हो गया है. तो ये सारी चीज़ें पोस्ट मॉडर्निटी में आपको देखने को मिलेंगी. मैंने यहाँ पर देखो अटैच भी कर दिए हैं फीचर्स, तो आप इसे पढ़ सकते हो. मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है, प्रिडिक्टेबल जॉब एंड रिलेशन फॉर लाइफ, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी मॉडर्निटी में मिनिमम होती है, ठीक है. और पोस्ट मॉडर्न में क्या होता है? फ्रेगमेंटेड सोसाइटी होती है, कोई एक सिंगल कल्चर नहीं होता है, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, ठीक है. कल्चर डाइवर्सिटी होती है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, पीपल आर डिफाइंड बाय कंजम्पशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंजम्पशन की बहुत वैल्यू होती है पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है. तो आई होप यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. क्वेश्चन नंबर 8, दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द ओवरऑल बिलीफ अबाउट वॉट इज गुड और बैड, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल इन अ सोसाइटी. अब देखो, मैंने अभी पीछे जो 2020 वीडियो था, 2020 का पेपर था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जनरल गाइडलाइंस होगा तो क्या होगा. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज वैल्यू. प्लीज रिमेंबर, नॉर्म्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है. टू सॉल्व एमसीक्यू यू हैव टू फोकस ऑन दी कीवर्ड्स. और ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार मैं रिपीट करती हूँ हर जगह पे ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए. देखो, नॉर्म्स क्या होते हैं? दे आर एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. एक चीज़ और याद रखना कि नॉर्म्स जो हैं वो एज, टाइम, जेंडर एंड लोकेशन के हिसाब से होते हैं, ठीक है. जैसे अभी अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मेरे नॉर्म्स अलग हैं, राइट. जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ इट इज़ डिफरेंट. बट अभी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अगर हूँ तो मैं वहाँ पर इतने इस तरीके से बात नहीं करूँगी, राइट. मैं वहाँ पर फ्रेंडली तरीके से बात करूँगी, मैं वहाँ पे शायद एक अलग तरीके से, कैजुअल तरीके से बात करूँगी, राइट. तो ये क्या है? लोकेशन के हिसाब से नॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते हैं, टाइम के हिसाब से भी, एज के हिसाब से भी और जेंडर के हिसाब से भी. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स के नॉर्म्स अलग होते हैं एंड बॉयज़ के नॉर्म्स अलग होते हैं, ठीक है. नाउ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं जनरल गाइडलाइंस. जनरल गाइडलाइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि सबके लिए वो वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है. जैसे अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी का मतलब एक जनरल लेवल पे सबको पता है कि क्या होता है और वो सब जगह सेम भी हो सकता है, राइट. देखो, चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड, नाउ ये एक जनरल सी बात है, सब इस पे एग्री करेंगे. हार्डवर्क शुड बी रिवॉर्डेड, एजुकेशन इज द रूट टू सक्सेस. तो इस तरह की जनरल चीज़ें जो होती हैं वो हमारी वैल्यूज में आ जाती हैं, और जो स्पेसिफिक होती हैं, जो एज के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, दैट इज आवर नॉर्म्स, ठीक है. तो ये कुछ बातें थी नॉर्म्स और वैल्यूज़ में. मेरे पास कुछ नोट्स हैं बहुत अच्छे नॉर्म्स और वैल्यूज़ पे, तो मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ इसके ऊपर. मैं कोशिश करूँगी कि मैं 10th मई से पहले पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करूँ, ओके, ताकि आपके एग्जाम में वो सब यूज़ हो सके, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु डिड एन एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ ट्रोब्रियन आइलैंड एंड रोट द आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक. सो वेस्टर्न पैसिफिक, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो बुक है ये किसकी है? याद रखना कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एथनोग्राफिक स्टडी है. क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो बुक है वो कौन सी स्टडी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक एथनोग्राफिक स्टडी है, ठीक है. सो मेलिनोस्की, रैटलिफ ब्राउन, एमाइल दर्खाइम, कार्ल मैनहाइम. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मेलिनोस्की, ओके. मेलिनोस्की और रैटलिफ ब्राउन की बुक्स आपको याद रखनी है. अनुलोमा एंड प्रतिलोमा आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन. द करेक्ट आंसर इज ए. प्लीज रिमेंबर, अनुलोमा जो होता है उसे हम कहते हैं हाइपरगेमी. और प्रतिलोमा जो होता है दैट इज योर हाइपोगेमी. नाउ आई विल नॉट रिपीट द मीनिंग क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको समझा चुकी हूँ इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है. ये सब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, देख सकते हो तुम लोग. इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सोशल कंस्ट्रक्शन. इसमें से कौन सा है जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है? ह्यूमन बीइंग्स, जेंडर, एनिमल किंगडम, नेचर. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जेंडर. क्वेश्चन नंबर 12, खाप पंचायत आर प्रिवेलेंट इन विच स्टेट. खाप पंचायत कहाँ पर ज्यादा प्रिवेलेंट होते हैं? खाप पंचायत पे भी मैंने नोट्स ऐड करके पीछे के पेपर्स में बताया है. कर्नाटका, असम, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हरियाणा. क्वेश्चन नंबर 13, दीज आर ओवर सिंप्लीफाइड एंड अनट्रू जनरलाइजेशन अबाउट सोशल ग्रुप्स, रेसिज्म, एथनिसिटी, नेशन या फिर स्टीरियोटाइप.
द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्टीरियोटाइप. क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट क्लब क्या है? इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप है, नॉर्म है, वैल्यू है? सो द करेक्ट आंसर इज ए. ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्रिकेट क्लब इंस्टीट्यूशन होता है. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन में रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उसी तरीके से क्रिकेट क्लब में भी होते हैं. ठीक है, ग्रुप में इतना ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, ना नॉर्म्स में और ना वैल्यूज में. क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ अ ग्रुप विच एन इंडिविजुअल एडमायर्स एंड एस्पायर्स टू बी अ पार्ट ऑफ. ही शी ऑल्सो बिकम साइकोलॉजिकली अटैच टू इट एंड एट टाइम ऑल्सो इमिटेट इट, मतलब कॉपी करना. रेफरेंस ग्रुप, क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप, सोशल ग्रुप. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रेफरेंस ग्रुप. नाउ रेफरेंस ग्रुप के बारे में मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है. सिर्फ देखो 3 मिनट का ये वीडियो है, तो प्लीज इसे जाकर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी. ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है. ठीक है, कभी उसके बारे में पूछ लेते हैं कि रेफरेंस ग्रुप किसने दिया है, कौन सी बुक में दिया है ना, और मीनिंग से तो क्वेश्चन बनता ही है. क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ अ सिस्टम इन विच मेंबर ऑफ अ ग्रुप और कम्युनिटी पार्टिसिपेट कलेक्टिवली इन टेकिंग ऑफ मेजर डिसीजन. मोनार्की, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी या फिर ओलिगार्की. द करेक्ट आंसर इज पार्टिसिपेट. क्वेश्चन में ही आंसर है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. इस तरह का क्वेश्चन जामिया ने पहले भी पूछा है, तो आप प्लीज़ मोनार्की, ब्यूरोक्रेसी, ओलिगार्की, इन सब की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, और मैंने टेलीग्राम पे भी इसके बारे में नोट्स ऑलरेडी शेयर करे हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पूछ लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 17, हु डिफाइंड द प्रोसेस सच एज ब्रह्मनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन. संस्कृताइजेशन के बारे में मैं ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ. द करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास. एम एन श्रीनिवास ने ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइब. इसमें से कौन सा है जो ट्राइब नहीं है? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज योगा लिगास. अब नाउ योगा लिंगास को बहुत से लोगों ने मुझे एक वीडियो में ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था कि वोका लिंगा को ओका लिंगा बोल दिया मैंने. तो देखो इसको कई तरह से बोला जाता है. देखो ट्रांसलिटरेटेड एज मैनी ओका लिगार, सॉरी वोका लिगार, वाका लिगा, वाका लिगा है ना, ओका लिगार, ओकी लियान, तो बहुत सारे तरह से इसको बोला जाता है. अब आपसे क्वेश्चन में वो ये भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में वो ये भी लिख सकते हैं, तो आपको इतना चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, अब ये क्या है? ये एक कास्ट है. प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ ट्राइब. कहाँ की ये है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु. आपको ये दो चीज़ें भी याद रखनी है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट कास्ट एज डिफाइंड बाई एम एन श्रीनिवास. एम एन श्रीनिवास ने जो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है हमें, उसमें इसमें से कौन सी है जो नहीं है डोमिनेंट कास्ट? The correct answer is D, that is Munda. Munda is a tribe. Okay, it is a tribe and dominant caste मैं already पढ़ा चुकी हूँ channel पे, तो please उसको देखना. अब Munda important है, यहाँ पर मैंने add कर दिया है Munda के बारे में. देखो it is a ethnic group, Asiatic speaking. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, they speak Mundari as their native language. ये भी याद रखना, which belongs to Munda subgroup of Austroasiatic. Sorry. मैंने शायद गलत बोल दिया यहाँ पे. ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज. दी मुंडा आर फाउंड मेनली कंसेंट्रेटेड इन द साउथ एंड ईस्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है. ठीक है, और एक चीज़ और है कि मुंडा पीपल इन त्रिपुरा आर ऑल्सो नोन एज मूरा. तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें आप प्लीज़ याद रखिएगा. दीज आर नथिंग बट सिंपल फैक्ट्स. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, इट इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग, अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस and isolation. It is also a structural analysis of economic system that deprive men from both the fruits of their labor and control over their work. तो इन्होंने यहाँ पे types भी define कर दिए. The correct answer is alienation. Alienation भी मैं channel पे पढ़ा चुकी हूँ. देखो ये सारे जो topics हैं guys, ये ऐसे topics हैं जिसमें से language change कर करके आपसे questions पूछे जाएंगे. इसीलिए मैंने उन important topics पे already video बना रखा है. ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है. और भी कुछ ऐसे लिस्ट है मेरे पास जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मेरा एनालिसिस रहता है, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती रहती हूँ, और आज से नहीं 2-3 साल से कर रही हूँ. तो मैं एक काम करूँगी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उस पर से छोटे छोटे वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज. ठीक है, तो वो सारे वीडियोज़ आएंगे. ये देखो एलियनेशन पे वीडियो ऑलरेडी है, प्लीज जाके उसको देखो अगर नहीं पता एलियनेशन के बारे में. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, डेटा दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एक्सपीरियंस्ड और रिकॉर्डेड क्लोज टू द इवेंट
क्लोज टू द इवेंट इज द कीवर्ड हियर. आर नियरेस्ट वन कैन गेट टू द ट्रुथ. प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इंडिकेटर, वेरिएबल. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्राइमरी डेटा. देखो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्डिंग है, ये देखो. ठीक है, डेटा दो तरह का होता है और वो क्लोजनेस पे डिपेंड करता है. प्राइमरी ज़्यादा क्लोज होता है, सेकेंडरी कम होता है. डेटा दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिकॉर्डेड क्लोज टू द इवेंट आर द नियरेस्ट वन कैन गेट टू द ट्रूथ आर प्राइमरी डेटा. ठीक है, एंड रिटन सोर्सेज दैट इंटरप्रेट और रिकॉर्ड प्राइमरी डेटा आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज विच टेंड टू बी लेस रिलायबल. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 22. हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी. स्पेंसर, हेनरी मेन, टोनिस, एमाइल दर्खाइम. वी ऑल नो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एमाइल दर्खाइम. क्वेश्चन नंबर 23. हु वॉज द सोशोलॉजिस्ट हु डिफाइंड सोशल एक्शन परस्पेक्टिव एंड फोकस इन वर्स्टिगिन. तो सोशल एक्शन और वर्स्टिगिन तो सबसे बड़े कीवर्ड है किसके? कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जर, रैटल ब्राउन या मैक्स वेबर. The correct answer is D, that is Max Weber. Question number 24. Who distinguished two types of social bonds which was termed as Gemini Shaft Community and Jessel Shaft Society. Now please remember, Gemini Shaft ka matlab bhi aata hai exam mein aur Jessel Shaft ka matlab bhi aata hai. Theek hai, to aapko ye dono cheeze yaad rakhni hai. Concept hume diya tha Ferdinand Tonnis ne, ye bhi yaad rakhna. Aur ek cheez aur hai jo isme aapko yaad rakhni hai ki inki ek book hai. फर्डिनेंड टॉनिस की ये पूरी बुक ही है जेमिनी शाफ्ट एंड जेसल शाफ्ट. तो आपसे ये भी पूछ सकता है, इसका ईयर भी याद कर लो, दैट इज 1926. ठीक है, बुक. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. इट इज कंसीव्ड इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल ऑफ मैन ओवर थिंग्स, अ कंट्रोल विच रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी मोर और लेस परमानेंट एंड एक्सक्लूसिव. इट मे बी प्राइवेट, इंडिविजुअल एंड कॉमन कलेक्टिव. फैमिली, किनशिप, प्रॉपर्टी, इकोनॉमी. ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. द करेक्ट आंसर इज प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 26. अ रिसर्च टेक्निक थ्रू विच स्टैंडर्डाइज डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. दिस डेटा इज यूजुअली इन अ स्टैटिस्टिकल फॉर्म. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, सर्वे या फिर नरेटिव. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सर्वे. क्वेश्चन नंबर 27. हु डिफ्रेंशिएट पीपल, क्लास, स्टेटस, पार्टी. मैक्स वेबर, एमाइल दर्खाइम, कार्ल मार्क्स, किंग्सले डेविस एंड विलियम मोरे. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मैक्स वेबर. प्लीज रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 28, अगेन वेरी इजी. स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी जो बुक है वो लिखी है W.H. White ने. मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को जल्दी कर रही हूँ गाइस, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन हैं और जल्दी से हम लोगों को ये सारे पेपर्स कवर करने हैं. ठीक है, तो जो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वो मैंने एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड कर रखा है. जो बहुत इजी है, कीवर्ड बेस्ड है, उनमें इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक आपको इतनी नॉलेज तो होगी. जैसे लुकिंग ग्लास सेल्फ किसका है, सबको पता है. द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स कूले, यानी CH कूले. ठीक है, असेंबली लाइन इज एसोसिएटेड विद वॉट. नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो बीन रिपीटेड. द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री. और ये क्या होता है, मैंने वो डायग्राम अटैच करके पुराने पेपर्स में बताया भी था. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड. नाउ यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड हैं. ठीक है, द पॉलिसी ऑफ अपरथाइट इन साउथ अफ्रीका वॉज रिलेटेड टू. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेपरेशन ऑफ रेसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. वेन थिंग्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. वेन थिंग्स that were earlier not traded in the market becomes commodities. ऐसी चीज़ें जो पहले मार्केट में कमोडिटी नहीं थी, यानी बिकती नहीं थी, अगर वो भी बिकने लग जाए तो क्या होगा? कंजम्पशन, कैपिटलिज्म, कमर्शलाइजेशन या कमोडिफिकेशन. द करेक्ट आंसर इज डी. कमोडिफिकेशन का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी चीज़ का कमोडिटी बन जाना जो पहले कमोडिटी नहीं थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. क्रिटिकल थ्योरी इज एसोसिएटेड विद वॉट? लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक, फ्रैंकफर्ट स्कूल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर कैम्ब्रिज स्कूल. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फ्रैंकफर्ट स्कूल. क्वेश्चन नंबर 34. मारवाड़ीज आर अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ वॉट? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बिजनेस कम्युनिटी. ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मैं इन पर डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ पहले. अ रैंकिंग ऑफ स्टेटसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया ऑफ इवेल्यूएशन एक्सेप्टेड एज रेलिवेंट विद इन द सिस्टम. द करेक्ट आंसर इज ए, That is hierarchy. Okay, hierarchy में ही होता है ranking. Question number 36. The theory of communicative action was formulated by Max Weber, Habermas,
गाल्टुंग या फिर अडोर्नो. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हेबरमास. ओके, क्वेश्चन नंबर 37. इट इज अ लार्ज स्केल पेक्यूलियर शॉर्ट ऑफ कम्युनिटी एंड फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक शेयर्ड रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, हिस्ट्री. ये किसकी बात हो रही है? ये नेशन की बात हो रही है, प्लीज रिमेंबर. और अगर इसमें टेरिटरी और इन सब की बात आती तो फिर स्टेट हो जाता. ठीक है, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट अगेन. हु डिफाइन ड्रामाटर्जिकल एनालिसिस? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एर्विंग गॉफमैन. गुनार माइड्राल की बहुत फेमस स्टडी है साउथ एशियन कंट्रीज पे. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, नेट में भी आ चुका है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एशियन ड्रामा. क्वेश्चन नंबर 40. द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन वॉज मेड बाई रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्स वेबर, लुई दुमो, एल्फर्ड शुट्स. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रॉबर्ट रेडफील्ड. क्वेश्चन नंबर 41. हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म? सोशल डार्विनिज्म, द करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट स्पेंसर. एंड मैं हर जगह लिखती हूँ तो प्लीज याद रखो, ऑर्गेनिक एनालॉजी. हर्बर्ट स्पेंसर से हमेशा क्वेश्चन आता है. ठीक है, सबसे ईजी थिंकर आई वुड से, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं इनके पढ़ने वाले, और जो भी हैं वो एग्जाम में आते हैं. बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमारे दर्खाइम की बुक्स भी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 42. द टर्म पॉजिटिविज्म वॉज कॉइंड बाय सी डब्ल्यू मिल्स, आर के मर्टन, ऑगस्ट कोंत या फिर कार्ल मार्क्स. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ऑगस्ट कोंत. क्वेश्चन नंबर 43. इट इज बीइंग डिफाइंड एज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइंड रैशनली टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स इन परस्यूट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ब्यूरोक्रेसी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन एंड बिजनेस. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ब्यूरोक्रेसी. प्लीज रिमेंबर द फीचर्स. क्वेश्चन नंबर 44. इट रिफर्स टू द मैथड पीपल यूज टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अबाउट दैम. इट इज द स्टडी ऑफ एवरीडे लाइफ. स्टडी ऑफ एवरीडे लाइफ क्या होता है? इट इज ए, दैट इज एथनो मैथडोलॉजी. ओके, दिस क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन रिपीटेड. क्वेश्चन नंबर 45. इट रिफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिसोर्सेज इन मटीरियल और मटीरियल विच द पीपल इनहेरिट, इम्प्लॉय, ट्रांसम्यूट, एड टू एंड ट्रांसमिट. कल्चर, सोसाइटी, नॉर्म, कम्युनिटी. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कल्चर. क्वेश्चन नंबर 46. हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रिपीटेड क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एंटोनियो ग्राम्शी. इट रिफर्स टू सेट ऑफ आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ मैन, द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड हाउ लाइफ इज और ऑट टू बी. इट मे बी वेरी स्ट्रक्चर्ड और मे रिफ्लेक्ट अंडरलाइन फीलिंग्स. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज आइडियोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 48. इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैनुअल कास्टल्स, स्टुअर्ट हॉल, एंथोनी गिडेंस या फिर गॉफमैन. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मैनुअल कास्टल्स. प्लीज इनकी बुक्स भी आप याद रखिएगा. हु कॉइंड द टर्म रिस्क सोसाइटी? पीछे के जो क्वेश्चंस थे उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज उल्रिक बेक. क्या होता है रिस्क सोसाइटी और एंथोनी गिडेंस ने इस पर क्या बोला है, ये सब बातें हम कर चुके हैं पुराने पेपर्स में, राइट. It was an agrarian struggle in the rural areas of Bengal in the colonial period. Telangana movement, Tibhaga movement, Warli tribal revolt and coal revolt. The correct answer is B, that is Tibhaga movement. Question number 51. Post-industrial society was defined by, the correct answer is D, that is Daniel Bell. Inki book hai, The Coming of Post-Industrial Society. Which book has been written by Dr. B. R. Ambedkar? The correct answer is B, that is Annihilation of Caste. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 53. होमो हायरार्किस किसकी बुक है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लुई दुमो. क्वेश्चन नंबर 54. इंडियन ट्राइब्स को पीजेंट किसने बोला था? किसने बोला था कि इंडियन ट्राइब्स आर पीजेंट्स? जी एस गुरे, एल्विन वेरियर, आंद्रे बेते या फिर ए के कुमार स्वामी. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एल्विन वेरियर. नाउ गुरे और वेरियर के बीच में एक डिबेट हुआ था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एमए सोशियोलॉजी इग्नू में, वो अच्छे से मेंशन है, तो मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी. क्वेश्चन नंबर, व्हिच क्वेश्चन इज दिस? 55. एम एन श्रीनिवास डिफाइंड इट इन टर्म्स. नाउ दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन रिपीटेड. साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड होल्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, हाई प्लेस इन लोकल हायरार्की. तो बात हो रही है यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट की. क्वेश्चन नंबर 56. इट रिफर्स टू अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज that are founded in the shared experience of particular marginalized group, gender, race, ethnic,
एक्सेट्रा. द करेक्ट आंसर इज डी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले. नाउ थ्योरीज ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी, किसका है मिडिल रेंज थ्योरी? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज आर के मर्टर. क्वेश्चन नंबर 58, इट रिक्वायर्स अ सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम. It is often directed against the state and take the form of demanding changes in state policy and practice. It must be marked with some degree of organization, leadership and shared objective and ideologies. Social movement, social change, mobilization, social action. The correct answer is A, that is social movement. Jharkhand movement kis bare mein hai? It is a separate state movement. Okay? It is a common practice to pre-test the questionnaire on a small number of people. तो हम लोग एक स्टडी करने से पहले जो प्री टेस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर सी, दैट इज इट इज अ पायलट स्टडी. क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है. मैनुअल इंडस्ट्री जो है उसे हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ब्लू कॉलर. मैंने पिंक, रेड, ब्लैक, व्हाइट सब डिस्कस किया है पुराने पेपर्स में. क्वेश्चन नंबर 62, द नोशन ऑफ टाइम स्लेवरी इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आईटी सेक्टर. प्लीज रिमेंबर, टाइम के अकॉर्डिंग जो काम होता है दैट इज योर आईटी सेक्टर. क्वेश्चन नंबर 63, जैन ब्रेमन फुट लूज लेबर का मतलब क्या है? तो फुट लूज लेबर से जैन ब्रेमन का कहना था माइग्रेंट वर्कर. इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं. ये सब लग रहा है पुराने से ही इन्होंने पीवाईक्यू उठा के 2021 में कॉपी कर दिए हैं, है ना. नक्सलबारी इज वॉट? नाउ यहाँ पर क्या था कि जल्दी जल्दी में मैंने भी गलत किया था इसको एक जगह पर. मुझे लगा था इट इज़ अ माओइस्ट मूवमेंट, बट नो, नक्सलबारी मूवमेंट नहीं पूछा है, सिर्फ नक्सलबारी पूछा है. तो आंसर हो जाएगा विलेज इन वेस्ट बंगाल. तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65, अ रेफरेंस टू अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन और कोटेशन गिवन इन टेक्स्ट. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड. द करेक्ट आंसर इज साइटेशन. क्वेश्चन नंबर 66, कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एज स्पीच और राइटिंग और इवन एटीट्यूड एंड जेस्चर, डेटा कंट्रोल, डिस्कोर्स, सब्जेक्ट. सो द करेक्ट आंसर सी, प्लीज रिमेंबर, डिस्कोर्स कहते हैं कम्युनिकेशन को, किसी भी फॉर्म में हो, राइटिंग या फिर स्पीच या जेस्चर, एटीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू हिम पावर इज समथिंग दैट इज नॉट कंसेंट्रेटेड इन वन प्लेस और इन वन हैंड. बहुत फेमस कोट है ये मिशेल फुको का. मिशेल फुको ने ये बोला था दैट पावर इज एवरीवेयर, ठीक है. तो ये भी आ सकता है पावर इज एवरीवेयर किसने बोला था, तो भी आंसर हो जाएगा मिशेल फुको. क्वेश्चन नंबर 68, पैटर्न वेरिएबल किसका कॉन्सेप्ट है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टैलकट पार्सन. क्वेश्चन नंबर 69, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी किसका है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सैंड्रा हार्डिंग. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस 5 मिनट वीडियो, तो वहां पर आप लोग इसको समझिएगा. अकॉर्डिंग टू हिम साइंस वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कमिटमेंट टू अ साइंटिफिक पैराडाइम विच कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट थ्योरी एंड फ्रेमवर्क विद इन विच साइंटिस्ट ऑपरेट. नाउ यहाँ पर साइंटिफिक पैराडाइम की बात कौन करता है? थॉमस कून करते हैं, ठीक है. तो ये सब कीवर्ड बेस्ड है जो आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 71, अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक दैट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ऑफ मोस्ट कॉमनली द मीन, मीडियन एंड मोड. नाउ मीन, मीडियन, मोड साथ में ही आ गया, तो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में ही ये तीनों होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 72, द स्मॉल पार्ट ऑफ होल पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू शो व्हाट द होल इज लाइक. देयर आर टू टाइप्स, रैंडम होता है, नॉन रैंडम होता है. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सैंपल. ओके, पॉपुलेशन से हम लोग जो स्मॉल पार्ट लेते हैं दैट इज योर सैंपल. एन एटीट्यूड ऑफ रिगार्डिंग वन ओन कल्चर, बहुत बार हम लोगों ने कराई है एथनोसेंट्रिज्म, जहां पर हम लोग अपने कल्चर को सुपीरियर मानते हैं अगले के कल्चर से. ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स व्हाट? अ टोटल इमर्शन इन द कम्युनिटी, बीइंग स्टडीड, टेकिंग साइड्स इन कॉन्फ्लिक्ट एंड स्प्लिटिंग द कम्युनिटी, डूइंग एग्जैक्टली एज द पीपल इन द कम्युनिटी डू, शोइंग अ सिंपैथेटिक इंटरेस्ट इन द कम्युनिटी एंड इट्स एक्टिविटी. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो ए, दैट इज टोटल इमर्जन, मतलब पूरी तरह से आप मिल जाएंगे उस कम्युनिटी में. ठीक है, Which of the following is a feature of a tribe? इसमें से कौन सा फीचर है ट्राइब का? The correct answer is C. Please remember, common language is a very important feature of tribe. मैंने already यहाँ पर features और बाकी की चीज़ें जो हैं वो discuss की हैं, तो please इसको देखना. ठीक है, Question number 76, Critical theory is associated with Frankfurt School. Question number 77, It is a religious movement as well as Muslim machinery organization based on the work of Prophet, started 1926. Please remember the year
विच एम्स एट स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन. द करेक्ट आंसर इज ए रिलीजियस मूवमेंट की जो बात हो रही है दैट इज योर तबलीकी जमात. नाउ यहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखो ऐड कर दिया है. 1926 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. किसने किया था ये नाम भी आप पढ़ सकते हो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जामिया में. ठीक है, बाकी 6 प्रिंसिपल्स होते हैं ये याद रख सकते हो. खाली इंग्लिश में ही अगर नाम याद कर लो तो भी चलेगा, बट एक बार पढ़ लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79. इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट पीपल रीजन एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यानी अलग अलग लोगों में, अलग अलग रीजन में, अलग कंट्रीज के बीच में जब इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है, ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू ये जो है पुश होता है ये कॉन्सेप्ट. सो वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, सीधे सीधे उसके फीचर्स मेंशन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81. किनशिप रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू व्हाट? ब्लड टाइज, मैरिज एंड ब्लड टाइज, एडॉप्शन एंड मैरिज, या फिर ब्लड टाइज, मैरिज एंड एडॉप्शन. नाउ द करेक्ट आंसर यहाँ पर बी और सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक द आंसर शुड बी डी, क्योंकि एडॉप्शन वाला जो फैक्टर है वो भी आ जाता है किनशिप में. अगर आप कोई चाइल्ड अडॉप्ट करते हो तो उसे भी आप ब्लड टाइज में ही ऐड करोगे. दिस इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. इसके अलावा फिक्टिव किनशिप भी होता है, सॉरी फिक्टिव किन भी होता है. अब फिक्टिव किन क्या होता है, जैसे अगर आप लोग टेलीग्राम पे हो तो मैं वहीं से एक एग्जांपल लेती हूँ. टेलीग्राम पे एक मेंबर है डिस्कशन ग्रुप में जिन्होंने अपने नाम के आगे भैया ऐड कर रखा है. ठीक है, आई थिंक आदित्य भैया नाम है उनका. अब ये क्या है, ये एक फिक्टिव किन है. फिक्टिव किन क्यों है, क्योंकि वो किसी के रियल ब्रदर नहीं है, वो किसी के ब्लड टाइज में देखा जाए तो ब्रदर नहीं है, राइट. बट उन्होंने एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है अपार्ट फ्रॉम योर ब्लड टाइज एंड ऑल. तो अगर वो आपके मुंह बोले भैया जिसको हम कहते हैं वो है, तो उसको हम लोग फिक्टिव किन कहते हैं. प्लीज रिमेंबर, फिक्टिव किन से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82. पेट्रियार्की, द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज रूल ऑफ फादर. प्लीज रिमेंबर, लिटरल मीनिंग जब हम देखते हैं तो रूल ऑफ फादर होता है. क्वेश्चन नंबर 83. इन हिज एनालिसिस ऑफ क्लास ग्रुपिंग्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्कस्ड बाय मैक्स वेबर. Now this question was in doubt and I will still keep this question in doubt. ठीक है, doubt वाले class में हम लोग इसको cover करेंगे. Question number 84. Who coined the term conspicuous consumption? हर बार जामिया में ये question आता है. The correct answer is Veblen. Question number 85. Tebhaga and Telangana uprisings were? The correct answer is B. That is peasant movement. Question number 86. It is a condition in which many people in social system have a weakened respect for social norms or norms. मतलब normlessness आ जाना. Norm का weak होना क्या है? Normlessness. Right? So normlessness क्या होता है? The correct answer is anomy. और anomy के बारे में बात कौन करता है? ये भी याद रखना. Durkheim. Alienation के बारे में बात कौन करता है? Marx. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 87. मैक्स वेबर ट्रेसेस द राइज ऑफ कैपिटलिज्म टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हाट. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कैल्विनिज्म. क्वेश्चन नंबर 88. द कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑकबर्न. बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है. ऑकबर्न का दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो है कल्चरल लैग. अब आपको नहीं पता कल्चरल लैग क्या होता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, प्लीज उसे देखो. अदरवाइज देखो यहाँ पर भी मेंशन है, इट इज अ सिचुएशन इन विच मटीरियल कल्चर चेंजेस फास्टर रैदर देन नॉन मटीरियल कल्चर. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मटीरियली आगे बढ़ चुके हैं, यू गाइज ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस. जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, है ना. जैसे हम लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, और वो भले वो सब चीज़ें देखते हैं बट अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नॉन मटीरियली उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई डोंट नो अबाउट यू गाइज बट मैंने जो देखा है अपनी सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर अगर अभी भी किसी लड़की को शॉर्ट ड्रेसेस में देख लेते हैं हमारी मम्मी या हमारी जो भी लेडीज़ हैं हमारे घर में, मेरी आंटी हैं और चाची हैं, कोई भी हैं, ठीक है, तो वो लोग जब ऐसी चीज़ें देख लेती हैं तो वो उसको जज करती हैं. यानी वो मटीरियली तो आगे बढ़ गई हैं, वो रील देख रही हैं, वो चीज़ों को अडेप्ट कर रही हैं, सब कुछ है, बट थिंकिंग अभी भी वही है, राइट. तो नॉन मटीरियल कल्चर क्या है, इनटेंजिबल पार्ट है कल्चर का. जो थिंकिंग है, जो वैल्यूज है, वो अभी भी आगे उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई है जितनी तेजी से मटीरियल कल्चर आगे बढ़ गया है. ठीक है, इंडिया इसका बेस्ट एग्जांपल है. हम लोग मटीरियल कल्चर में तो बहुत आगे पहुंच गए हैं बट हमारी थिंकिंग और हमारी जो भी वैल्यूज हैं उनमें अभी हम लोग पीछे ही हैं, उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं.
ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल है, ऐसा याद कर सकते हो। अगर वीडियो देखना है तो कल्चर लैब पे वीडियो भी देख लेना, वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, पॉपुलर कल्चर। अब देखो कल ही हम लोगों ने इसको करा था, पॉपुलर कल्चर मतलब कल्चर ऑफ मासेस। क्वेश्चन नंबर 90, मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ पे, मुस्लिम मैरिज पे, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेहर क्या होता है? मेहर होता है सी, दैट इज द अमाउंट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज टू बी पेड टू द ब्राइड। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज पेड टू द ब्राइड इफ डाइवोर्स हैपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, द इंस्टीट्यूशन ऑफ एंगर इज सेंट्रल। सो यहाँ पर एंगर नहीं होगा, यहाँ पर होगा लंगर। ठीक है, सिखिज्म में हम लोगों को पता है लंगर होता है, वो क्या होता है? निरंकारा डिवोशन सेल्वेशन फ्री कम्युनिटी किचन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फ्री कम्युनिटी किचन। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, ट्राइबल्स लाइक टोडा, इरुलास, कादर्स, कुरुम्बास एंड पनिया बिलोंग्स टू वेयर। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज साउथ इंडिया। जो मैंने ट्राइब वाला पीडीएफ भी है टेलीग्राम चैनल पे और ट्राइब पे वीडियो भी है, वहाँ पर सबके लोकेशन ट्राइब के मेंशन है, प्लीज़ उस पार्ट को अच्छे से पढ़ना, वहाँ से ही ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। द करेक्ट आंसर इज, सोशल एक्शन के बारे में बात कौन करता है? मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 94, अ सोशल एंटिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। द करेक्ट आंसर इज स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन है ये, मैक्स वेबर ने दी है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, अनरिटन ट्रेडिशनल लिटरेचर इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, प्रोवर्ब्स, सॉन्ग्स। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फोकलोर। क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। द करेक्ट आंसर इज ए, डब्ल्यू एफ वाइट। इसके बारे में डिटेल मैंने पीछे की वीडियोस में ऑलरेडी दे रखी है, तो प्लीज उसको आई होप आप लोगों ने देखा होगा। वन इज नॉट अ बॉर्न वुमन बट वन बिकम्स वन, वेरी फेमस कोट। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज साइमन डे बोवो। इनकी एक बहुत फेमस बुक है, चलिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी वो बुक है। क्वेश्चन नंबर 98, अ वाइफ कैन ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड provided he agrees to her proposal of divorce among Muslim. Now, मैंने कहा ना, मुस्लिम्स की मैरिज, फैमिली और जितने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग अलग से पढ़ते हैं हिंदू मुस्लिम का, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पर क्या है, देखो कि अब सबको लग रहा होगा कि इसका आंसर होगा तलाक, क्योंकि डाइवोर्स की बात की है, बट नो। क्या होगा यहाँ पर आंसर? आंसर यहाँ पर होगा मुबारक। क्यों? देखो, खुला का मतलब क्या होता है, पहले ये देखो। खुला का मतलब होता है कि ओनली वुमेन इज एग्रीड फॉर डिवोर्स। ठीक है, सिर्फ वुमेन एग्री कर रही है डिवोर्स के लिए। मुबारक में क्या होता है कि बोथ एग्री, हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री कर रहे हैं। और तलाक में क्या होता है? तलाक में यू गाइज नो ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। निकाह का मतलब तो आपको पता ही है, मैरिज, शादी जैसे हम लोग में होती है, राइट? तलाक का मतलब क्या होता है कि जो मेल मेंबर है, जो मेल पार्टनर है, वो अपनी तरफ से तलाक अनाउंस कर देता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर तलाक का मीनिंग वो हो जाता है, इसीलिए वो ट्रिपल तलाक जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितना सर्च किया था, अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज मुबारक, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वाइफ कैन ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड प्रोवाइडेड ही एग्रीज, इफ ही एग्रीज ओनली देन। तो दोनों जब एग्री होंगे तब क्या होगा? मुबारक। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, अ थ्योरिटिकल स्टेटमेंट दैट हैज नॉट येट बीन टेस्टेड अगेंस्ट डेटा कलेक्टेड इन कंक्रीट सिचुएशन बट विच इट इज पॉसिबल टू टेस्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं जिसको हम फ्यूचर में टेस्ट करते हैं कि वो रिजेक्ट होगा या उसके फेवर में चीजें होंगी, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज हाइपोथेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आई एम सॉरी गाइज, मैंने शायद बहुत जल्दी जल्दी ये वीडियो किया है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड थे और 2022 का और 2023 का पेपर भी मुझे आजकल में ही अपलोड करना है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज 73rd अमेंडमेंट। यू ऑल नो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट, है ना। सो इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द सेकेंड टाइम, अपने दोस्तों को बोलो, मेक श्योर दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।
प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने चीज़ों को अरेंज कर रखा है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग. प्लीज मेक यूज ऑफ इट बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर फ्री. ओके, एंड दिस इज द टेलीग्राम. टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना. टेलीग्राम पे मेंबर्स कम हैं, चैनल पे बहुत ज्यादा हैं. आई डोंट नो व्हाई आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हो. एंड दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम. कोई भी सोशियोलॉजी में डाउट है, प्रॉब्लम है, आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग.